पहले से यही काम करते हैं, झूठों के सरदार है ये। इनका लीडर भी झूठों का सरदार, ये छोटा सरदार। इन्हीं शक्ति में इनके बाप की औलाद है, वो सिल्पर शल को नहीं आंखों दिखाना। या हरमखोर, तुझे 1400 साल पहले क्या था क्या मालूम नहीं है, और जितना हक तेरा है उतना हक हमारा भी है। ये तुम्हारे बाप का राज नहीं है, तेरे बाप को जाको पूछ इस्लाम क्या था बोल के। कल बीजापुर शहर में वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो एक प्रतिभटना करने की जो काम किए, बीजापुर शहर के MLA बसनगौड़ा, सिटी रवि सुलीबेले, ये तीनों जिन्हों मिला के अपने को मुंह को जो आता है वो घुमड़ा मारने का काम करें, उनको ये तक नॉलेज नहीं है कि ये वक्फ बोर्ड की वक्फ अदालत जिस चीज़ की हो रही है उनको पता नहीं है। वो शहर में एक धांधल उठाना, एक धांधल करवाना और एक अपने आप में एक लीडरशिप मेंटेन करना, ये करने के लिए रईतों का नाम लेते हुए ये गलत फहमी करते हुए पहले से यही काम करते हैं, झूठों के सरदार हैं। इनका लीडर भी झूठों का सरदार, ये छोटा सरदार। तो ये जो काम करते आ रहे हैं बीजापुर शहर में, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह बोलते हैं वो सुलीबेले यहाँ सिल्पर सेल ज़्यादा हैं, तो इन्हीं सिल्पर सेल ज़्यादा हैं बोलता है बोले तो यहाँ की इंटेलिजेंसी क्या कर रही है, यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्यों इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, क्यों इसे 100 मोटो केस नहीं डालता। ये चैलेंज कर रहा है तो एक डिपार्टमेंट को चैलेंज कर रहा है, एक डिपार्टमेंट के बारे में बोल रहा है। यहाँ सिल्पर सेल है बोल के लोगों के दिल में एक भयानक एक ये डाल के जो डालने की कुछ डर डालने की जो कोशिश कर रहा है, सबसे पहले इसे अरेस्ट करना, अरेस्ट करके इसे लाखो बताना। इन्हीं शक्ति में इनके बाप की औलाद है, वो सिल्पर सेल को नहीं आंखों दिखाना, नहीं तो इन्हें सिल्पर सेल तो इन्हीं बड़ा सिल्पर सेल है। ये तीनों भी क्या, ये तीनों भी वही चीज। और ये दूसरा बात क्या है कि इसलिए बोली बोलता है कि 1400 साल पहले क्या भी इस्लाम नेता रहे हरमखोर, तुझे 1400 साल पहले क्या था क्या मालूम नहीं है। 1400 साल पहले कुरान नाजिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरा है, जब उस दुनिया पैदा कर रहा अल्लाह तो आदम अलैहि सलाम को पहले पैदा किए, उसके बाद हव्वा अलैहि सलाम को पैदा, कौन किसकी औलाद है ये मालूम कर ले पहले। मुसलमाना को बोलता है 24 मुसलमान चॉइस करके है हिंदुस्तान को, मुसलमाना छोड़ को जायस नहीं, अपने चॉइस से रह साले हैं, और जितना हक तेरा है उतना हक हमारा भी है, ये तुम्हारे बाप का राज नहीं है। तू जो समझ रहा है उतनी ताकत तेरे पास है तो कर को दिखा। जब दीन के बारे में बोलना है तो तू समझ ले पहले, बात करने से पहले क्या करना बोल। एक जगह 1400 साल पहले बोल रहा है, 1400 साल पहले अचार होता तो इससे पहले क्या क्या थे, कितने पैगंबर है, 1,80,000 पीर पैगंबर हमारे हैं। आखिरी पैगंबर 1400 साल से शुरू होता है। अरे नालायक, तुझे मालूम क्या है, तेरे बाप को जाको पूछ इस्लाम क्या था बोल के, तुझे मालूम पड़ता है। आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम आने के बाद में कौन किसका बाप है कहने का उन्हें समझ लेता, किसे बोलने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ को समझ के बात करना सीखो। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आदमी जो बीजापुर का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर 100 मोटो केस डाल के आप इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो कल के रोज बड़ा खतरा हो जाएगा, तो इसके जिम्मेदार डिपार्टमेंट खुद रहेगा। आज इतनी अच्छी पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रही है कि इतने बड़े बड़े यहाँ पे ये होने के बावजूद भी एक छोटा हादसा भी नहीं हुआ। और ये MLA बोलता कि वहाँ 4-5 मेरा डुकरा बैठ कर बड़ा डुकर बोलता शुवर है ये बोलता है, इसे समझ क्या है बेटे को। इन्हीं दूसरे पार्टी में जाकर खाने की आदत है, ये गुड़ पशु वो गुड़ पशु वो गुड़ पशु वो गुड़ खाने की आदत है इसे। तो इसे समझना चाहिए कि पहले बीजापुर में हिंदुत्व 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 कर, अगर तेरे पास हिंदुत्व आज करने का चाहे तो वेलकम कर दो, मैं करके दिखा तेरे जात में 80 लोगों की लड़की को ले, ब्राह्मण की लड़की ले, उनके साथ रिश्ते निभा, उसमें तेरे हिंदुत्व नहीं चलता। वहाँ पर जात भेद भाव जाति कर को बोलता, अगर ये हिंदुत्वाज करना है तो सब कौम को एक कर, सब कौमों में रिश्तेदारी कर, सब जात पात को एक बना, क्यों इसमें भेदभाव रखा है। हम मुसलमान भी देख आपको
कौन अत्ता रंधे, कौन नीनू रंधे, नदाब रंधे, कौन भी रंधे, सब मुसलमान एक दूसरे की शादी कर लेते हैं। ये मुसलमानों की शान है। तेरे पास भी कर को दिखा है, खाली होटा लेने के लिए हिंदुत्व होना तुझे। हाँ क्यों, वहाँ तो भी तेरा बेटा रेडी है, शादी है, कर को दिखा पाएगा? कर को दिखा। बीजेपी में देख, बीजेपी में जितने बड़े बड़े लीडर उनकी सब जमा है मुसलमान अच्छे। तू भी एक ऐसा कर को दिखा। तुम्हारे मुरली मनोहर जोशी को लगा, तुम्हारे को नाना बना है तुम ऊपर बीजेपी में, उनके सब जमाया भी मुसलमान के छे। तो तू भी वैसा कर को दिखा देगी। अरे तेरी में ताकत है, हिंदू को एक करना चाह रहा तो एक करके दिखा। तू हमला करने के लिए रिश्तेदारी कर ले उनके साथ, हमला उससे भी लेना देना नहीं है। तुम्हारा जो काम है तुम्हें करो, हमें कोई मुसलमान डरने की जरूरत नहीं है। बाप कोई से भी नहीं है, बाप का कानून सबके लिए है, सबको लेकर चलने के लिए, इससे कोई बात हमें करने की जरूरत नहीं, कोई मुसलमान डरने की जरूरत नहीं। और कानून अपने साथ में अपना काम करेगा, इन्हीं बुमड़ा मारने से किसी का काम कानून नहीं होता, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। इतना कहते हुए अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कनाडा। मॉल एक ही जगह शादी ब्याह हर जश्न में आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। ड्रेसेस का खजाना, जरदोजी, शरारा, हाफ साड़ी, सूट, रेडीमेड की भरमार। अपोजिट कोल्ड चौक, पुलिस स्टेशन, क्लॉथ बाजार, गुलबर्गा।